दोस्तों, अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार कहे जाते हैं और इनकी ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट ही रहती हैं। और इन्हीं में से एक फिल्म है जानी दुश्मन। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, तो वहीं इस फिल्म में कई तरह के अलग अलग सितारे भी नजर आए थे। और ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अलग अलग अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एक साथ देखा गया था। तो वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस रंभा को कोई कैसे भूल सकता है, जो इस फिल्म में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रंभा आज कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही फिल्म जानी दुश्मन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, रंभा का जन्म 5 जुलाई 1978 को आंध्र प्रदेश में हुआ। लेकिन अगर बात की जाए रंभा के बॉलीवुड करियर की, तो रंभा ने मात्र 15 साल की उम्र में ही साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उनको पहली बार फिल्म सरगम में देखा गया। लेकिन रंभा का बॉलीवुड सफर 1995 की फिल्म जल्लाद से शुरू हुआ, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके अलावा रंभा को सलमान खान के साथ फिल्म बंधन और जुड़वा में भी देखा गया और दर्शकों ने इनको सलमान खान के साथ बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। और साथ ही ये अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म घरवाली बाहरवाली में भी नजर आ चुकी हैं और ये फिल्म सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन रंभा की अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्मों की अगर बात की जाए तो उनमें अक्षय कुमार की फिल्म जानी दुश्मन भी शामिल है, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में कई तरह के अभिनेता नजर आए थे, तो वहीं इस फिल्म में दर्शकों ने रंभा को भी काफी ज्यादा पसंद किया था। अपने फिल्मी करियर के दौरान रंभा करीब 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो वहीं हिंदी फिल्मों के अलावा रंभा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। इनको हर एक फिल्म में काफी ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन साल 2010 में रंभा ने इंद्रन पद्मनाथन से शादी कर ली और शादी के बाद रंभा ने बॉलीवुड करियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने फिर कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर रुख नहीं किया और आज रंभा अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं और आज ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को रंभा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।